हाय एवरीवन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देख रहे थे, कुछ पोस्टुलेट्स इसका कंसीडर किए थे हम लोग, और उसमें से एक पॉइंट था कि जो सेंट्रल मेटल आयन है उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि हाइब्रिडाइज्ड होकर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करते हैं, वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के हैं और डायरेक्शनल नेचर होने के चलते ही वे डेफिनेट डायरेक्शन में ओरिएंट होते हैं स्पेस में और एक फिक्स्ड शेप या ज्योमेट्री देते हैं उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का। तो उसके लिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्बिटल्स मिल करके क्या हाइब्रिडाइजेशन बनाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हाइब्रिडाइजेशन, कौन कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड हैं, इसके लिए उसका ज्योमेट्री क्या होना चाहिए, बॉन्ड एंगल क्या होगा, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे हम लोग ऐसा। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर टू, टू से कम तो कोऑर्डिनेशन नंबर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में हो भी नहीं सकता है। हाइब्रिडाइजेशन एसपी, एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं एस और पी एक्स, पी एक्स की जगह पी जेड भी हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। तो जिस एक्सिस को आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मानोगे, एस में तो तीनों एक्सिस होता है ना, एक्स वाई जेड तीनों, पी में पी एक्स अलग है, पी वाई अलग है, पी जेड अलग है, तो जिसको आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस मान करके चलोगे वही ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। ज्योमेट्री इस केस में लीनियर होता है, ऐसा लीनियर ज्योमेट्री, दो ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में देखो ऐसे ओरिएंट रहेंगे, एंगल कितना होता है 180 डिग्री। एग्जांपल्स कई हैं जैसे ए जी एन एस थ्री का होल टू पर प्लस, फिर ए यू सी एन का होल टू पर माइनस, उसके बाद सी यू सी एल टू पर माइनस, सी यू एन एस थ्री का होल टू पर प्लस, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे आगे हम लोग। नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर थ्री आता है, थ्री के लिए हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, और इसमें फिक्स है कि s का एक px और py ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे। शेप क्या होता है, ट्रायंगुलर प्लैनर पहले से जान रहे हैं हम लोग, ऐसे तीन ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ऐसे ट्रायंगुलर प्लैनर शेप के लिए ट्रायंगुलर प्लानर, एंगल कितना होता है इसमें 120 डिग्री। एग्जांपल्स यहाँ भी हैं, एच जी आई थ्री का एक माइनस, एक कॉमन सा एग्जांपल है sp3 या sp2 हाइब्रिडाइज्ड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ट्रायंगुलर प्लानर ज्योमेट्री है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर चार में जाओगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए तीन प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन हो सकते हैं, इवेंट सबको हम लोग एक ही साथ लिखें। कोऑर्डिनेशन नंबर चार के लिए सबसे पहले तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में s और p के जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं px, py और pz। ज्योमेट्री क्या होता है इसमें, टेट्राहेड्रल होता है, इस प्रकार का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड एंगल जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट। एग्जांपल की बात कर लें तो NiCl4 पर 2 माइनस, NiCO का होल 4, MnF4 पर 2 माइनस, ऐसे कई एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी में। यही कोऑर्डिनेशन नंबर फोर के लिए एक होता है sd3 हाइब्रिडाइजेशन, या इसी sd3 को कहीं कहीं d3s लिखता है, हालांकि ज़्यादा सही है sd3 हाइब्रिडाइजेशन। s का एक d के तीन ऑर्बिटल, तीन में होते हैं dxy, dyz और dzx। अभी तक तो ये हाइब्रिडाइजेशन सुने भी नहीं होगे आप लोग, sd3 भी कुछ होता है, होता है जब आगे एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे इस बात को कि कैसे होता है। शेप यहाँ भी यही रहेगा, टेट्राहेड्रल, एंगल भी सेम रहेगा, और इसके एग्जांपल्स हैं परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन या फिर क्रोमेट आयन। ऐसा
कोऑर्डिनेशन नंबर फोर में ही दो और हाइब्रिडाइजेशन होंगे, एक sp2d एक dsp2। दो sp2d में होगा s px py dx² y² यहाँ भी वही होगा, सेम ऑर्बिटल्स यहाँ भी इन्वॉल्व होंगे और शेप यहाँ होना है स्क्वायर प्लानर शेप, एंगल 90 डिग्री होता है, दिस इज अ स्क्वायर प्लानर। एग्जांपल की बात करें तो sp2d का एग्जांपल है जैसे CuNH3 का होल 4/2+, वहीं dsp2 की बात करें तो NiCN का होल 4/2-। अब बोलोगे कि क्या अंतर है, एक बार d आप बाद में लिख रहे हो, एक बार d आप पहले लिख रहे हो, तो क्या इसमें अंतर है, कैसे इसको हम लोग समझेंगे? तो आसान सा कंसेप्ट है, देखोगे मान लें कि S4 का है तो ये 4S होगा और उसी के साथ 4P होगा और D भी वही होगा 4D, मतलब सेम सेल के तीनों हों SPD तब लिखेंगे SP2D। लेकिन कुछ ऐसा हो कि S हो 4S, P हो 4P लेकिन D हो 3D, वैलेंस सेल यहाँ 4 है लेकिन वैलेंस सेल का एक पहले वाला सेकेंड लास्ट सेल जिसको पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं उसका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो, तो पहले तो इस बार डी आ गया ना, तो अब यहाँ हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DSP2, मतलब एस और पी जिस सेल के हैं वही सेल का डी ऑर्बिटल भी हो, वैलेंस सेल का डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ हो तो उस हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग sp2d बोलेंगे। लेकिन यदि वैलेंस सेल का नहीं बल्कि सेकेंड लास्ट सेल जो इनर सेल होगा उसका डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो तब वह कहलाएगा dsp2। ऑर्बिटल वही होगा dx² y² यहाँ भी होगा और यहाँ भी, लेकिन सेल का अंतर होगा कि एक वैलेंस सेल का होगा और दूसरा पेनल्टीमेट सेल का होगा। पढ़े हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट में कि बहुत ज़्यादा एनर्जी डिफरेंस नहीं होता है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वैलेंस और पेनल्टीमेट में, इसलिए बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेन अंतर इसमें यही हो गया और खैर आगे तो डिटेल में हम लोग सारे हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर करने ही वाले हैं। तो मेन जो यहाँ कन्फ्यूजन आ रहा होगा दिमाग में कि sp2d या dsp2 में क्या अंतर है, तो इस अंतर को हम लोग समझ गए यहाँ कि sp और d सारे सेम सेल के हों तो वह sp2d, लेकिन d यदि इनर सेल का हो सेकेंड लास्ट का और sp वैलेंस सेल का हो तब लगाएंगे dsp2। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हुए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही बड़ा ही कॉमन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 और 3 से कंपेयर करें तो। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 में भी जो है दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन होता है, एक sp3d और एक होता है dsp3, वही जो भी अंतर बताए थे वैसे ही है। इसमें एटॉमिक ऑर्बिटल्स s p का तीनों px py pz और d का होता है dz². लेकिन यहाँ जो है s px py pz और d का होता है dx² y² ऐसा। ज्योमेट्री यहाँ है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, TVP ज्योमेट्री है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एंगल हम लोग जानते हैं इसमें 90 डिग्री होता है परपेंडिकुलर एंगल और जो बेस एंगल है वह 120 डिग्री होता है। एग्जाम्पल के लिए FeCO का होल 5, लेकिन यहाँ लेकर के चलें dsp3, तो इसके लिए जो हाइब्रिडाइजेशन होता है या जो शेप होता है तो वह होता है स्क्वायर पिरामिडल। एंगल यहाँ सारे 90 डिग्री होते हैं, एग्जाम्पल में है NiCN का होल 5/3-। तो यहाँ से ध्यान रखना है, इसके पहले जो sp2d या dsp2 पढ़े थे उसमें से शेप तो सेम ही रहा था स्क्वायर प्लानर, लेकिन यहाँ चेंज कर जा रहा है, sp3d के लिए है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल जबकि dsp3 के लिए है स्क्वायर पिरामिडल। और मोर इम्पॉर्टेंट डी ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट कि sp3d है तो dz² और यहाँ जो है dx² y², इसको ध्यान में रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं सारे पॉइंट्स। अब लास्टली जो है इसमें आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 तक के ही नहीं होते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, 8 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, 20 तक हो सकते हैं, लेकिन इंटरमीडिएट लेवल में जो पढ़ना है हम लोग के सिलेबस में जो है वह कोऑर्डिनेशन नंबर कहाँ तक है, 6 तक है।
तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स से भी रिलेटेड दो प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन है, एक sp3d2 और दूसरा d2sp3। एटॉमिक ऑर्बिटल सेम ही होंगे, s px py pz dx2y2 और dz2, यहाँ भी वही ऑर्बिटल्स होंगे। ज्योमेट्री भी दोनों का ऑक्टाहेड्रल ही होता है, लेकिन sp3d2 वाले को बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल, जबकि यहाँ जो होगा ऑक्टाहेड्रल d2sp3 में, यह कहलाता है इनर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे ही बिल्कुल। एंगल दोनों जगह 90 डिग्री होगा, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। एग्जांपल कई हैं, जैसे Fe(F6)3- CO(H2O)6+, ये सारे आउटर ऑर्बिटल हैं। इनर वाले में आओगे तो CO(NH3)3+ FeCN(6)4- ऐसा। यहाँ भी वही केस है कि यदि N का S, P और D तीनों है, जहाँ N है वैलेंस सेल, तब यह कहलाएगा sp3d2। लेकिन N का S और P हो, जबकि N-1 का D हो, माने 4 का S और P हो, 4s 4p, तो D होगा 3 का, वन है, N-1 है, N की जगह 4 है, तो N-1 3 हो जाएगा। समझ गया, अभी तो इस बात को एक्सप्लेन किया ही गया था। तो ऐसे करके इतने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हो सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, अनेक प्रकार के ज्योमेट्रीज बन सकते हैं, डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स का नेचर पे, जिसको काफ़ी डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं अभी। तो इस पॉस्टुलेट के बाद अगला पॉस्टुलेट जो है इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, वह क्या है? पॉलिंग जो है लिगैंड्स को दो कैटेगरी में रखे, किस आधार पे उसका एक्सप्लेनेशन अभी नहीं है, लेकिन पॉलिंग ने क्या किया कि जो लिगैंड्स हैं उस लिगैंड्स को दो कैटेगरी में रखे, स्ट्रॉन्ग लिगैंड वीक लिगैंड। स्ट्रॉन्ग लिगैंड में जैसे आता है CN-CO, NO, NO2-, ये सारे स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में आते हैं, मिथाइल एनायन ऐसा। वीक की कैटेगरी में जितने भी हैलोजन हैं F-Cl-Br-I-सल्फाइड हाइड्रोक्साइड, ये सारे वीक की कैटेगरी में आते हैं। तो पॉलिंग जो बोले या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो पॉस्टुलेट उन्होंने दिया इस लिगैंड के आधार पे, वह कुछ ऐसा कि सेंट्रल मेटल आयन और स्ट्रॉन्ग लिगैंड SL स्ट्रॉन्ग लिगैंड के बीच जो बॉन्ड बनेगा वह मेनली कोवेलेंट नेचर का होगा, नॉट 100% कोवेलेंट, मेनली कोवेलेंट नेचर का होगा। कि सेंट्रल मेटल आयन और स्ट्रॉन्ग लिगैंड के बीच जो बॉन्ड बनता है वह मेनली किस नेचर का होता है? कोवेलेंट नेचर का होता है। लेकिन वही बॉन्ड यदि बने सेंट्रल मेटल आयन और वीक लिगैंड के बीच, सेंट्रल मेटल आयन और वीक लिगैंड के बीच, तो यह बॉन्ड मेनली आयनिक नेचर का होता है। ऐसा बात जो है बताए पॉलिंग इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पॉस्टुलेट में कि द कोऑर्डिनेट, देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में, कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक सेमी पोलर बॉन्ड होता है, मतलब यह कोवेलेंट बॉन्ड प्लस आयनिक बॉन्ड का कम्बिनेशन है। अब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा कि आयनिक ज़्यादा होगा, या डिपेंड करता है लिगैंड पर, कि स्ट्रॉन्ग लिगैंड है तो यह बॉन्ड मेनली कोवेलेंट नेचर का होगा, और यदि वीक लिगैंड है तो यह बॉन्ड मेनली आयनिक नेचर का होगा। ऐसा इसमें से भी जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स हैं, इन स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स के पास ऐसा एबिलिटी होता है, एबिलिटी टू पेयर अप द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी सबसेल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। मतलब ऐसे कि यदि डी में मान लो 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यदि ज़रूरत पड़े ऑर्बिटल खाली करने का, तो ये स्ट्रॉन्ग लिगैंड्स क्या करेंगे कि इन सारे इलेक्ट्रॉन को इधर पेयर अप कर देंगे, मतलब ये जो अलग अलग ऑर्बिटल में थे अभी ऐसा हो जाएगा और तीन ऑर्बिटल ये खाली हो जाएंगे।
ऐसा कर सकते हैं कौन? स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स। वीक लिगेंड्स में ऐसा एबिलिटी नहीं है। वीक लिगेंड्स कभी भी जो है सेंट्रल मेटल आयन के इलेक्ट्रॉन को पेयर अप नहीं करेंगे। क्यों, काहे, ये सब है वो आगे इसी चैप्टर में हम लोग देखेंगे जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे तब। तो अभी के अनुसार क्या स्ट्रॉन्ग लिगेंड और मेटल का कोऑर्डिनेट बॉन्ड मेनली कोवेलेंट नेचर का है, जबकि वीक लिगेंड और मेटल का बॉन्ड मेनली आयनिक नेचर का है। और उसमें से स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी में, डी सबसेल में, उसको पेयर अप कर सकता है, जबकि वीक लिगेंड्स के पास ऐसा एबिलिटी नहीं होता है। और लास्ट में कि यह जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है यह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप को जो एक्सप्लेन करता है वह किस आधार पर? मैग्नेटिक मोमेंट के आधार पर। मैग्नेटिक मोमेंट का जो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड डाटा है उस डाटा के आधार पर यह शेप को एक्सप्लेन करता है। एंड अकॉर्डिंग टू मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक बिहेवियर दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस होंगे, पारा मैग्नेटिक होंगे और दूसरा डायमैग्नेटिक होंगे। पारा मैग्नेटिक के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि पारा मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्सेस आर दोज विच कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक से ज़्यादा या एक ही हो, तो एक या उससे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यदि हो तो वह पारा मैग्नेटिक होंगे। और यदि केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाया मैग्नेटिक। तो दो प्रकार के सब्सटेंस हुए, पारा मैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। यदि किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के पास पेयर्ड के अलावे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं तो वैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पारा मैग्नेटिक नेचर के होंगे। और यदि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन के पास सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो उसको डाया मैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोग बोलेंगे। तो ये सारे पॉस्टुलेट्स थे, एक बार हम लोग समराइज कर ले जल्दी से सारे पॉस्टुलेट को। फर्स्ट पॉस्टुलेट कि किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल आयन है वो अपने वैलेंस सेल में एस पी और डी ऑर्बिटल्स खाली करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये सारे खाली ऑर्बिटल्स अलग अलग शेप साइज और एनर्जी के हैं इसलिए आपस में इंटरमिक्स करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे और नए ऑर्बिटल्स बनाएंगे जो आइडेंटिकल होंगे वे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाएंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का संख्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बराबर होगा जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुए हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डायरेक्शनल नेचर के हैं इसलिए वे स्पेस में पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंट होंगे और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए एक डेफिनेट शेप देंगे। उसके बाद कि उनका कैसा अरेंजमेंट होगा स्पेस में, इस आधार पर अलग अलग टाइप का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग प्रकार का ज्योमेट्री भी कंसिडर किए, जिसमें से मेनली जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आता है वह आता है स्क्वायर प्लानर, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। ये तीन प्रकार के ज्योमेट्रीज बड़ा ही कॉमन है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए। उसके बाद कि सेंट्रल मेटल आयन के पास खाली हाइब्रिड ऑर्बिटल है, लिगैंड के पास भरा हुआ सिग्मा ऑर्बिटल है, तो वही लिगैंड का फील्ड ऑर्बिटल सेंट्रल मेटल आयन के खाली ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा, एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनेगा जो कहलाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लिगैंड्स दो प्रकार के होंगे, स्ट्रॉन्ग वीक किस आधार पर अभी नहीं एक्सप्लेन किया गया है, बस अपने मन से पॉलिंग ऐसा बोल दिए। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स जो सेंट्रल मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाएंगे वह मेनली कोवेलेंट नेचर का होगा, वीक लिगेंड्स जो बॉन्ड बनाएंगे वह मेनली आयनिक नेचर का होगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स सेंट्रल मेटल आयन के जो डी सबसेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जरूरत पड़ने पर उसको पेयर अप कर सकते हैं, जबकि वीक लिगेंड ऐसा नहीं करेंगे। और लास्ट में चूंकि यह थ्योरी जो है वह कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के शेप को मैग्नेटिक मेजरमेंट डाटा के आधार पर एक्सप्लेन करता है और मैग्नेटिक बिहेवियर के आधार पर दो प्रकार के सब्सटेंस होते हैं पारा मैग्नेटिक और डाया मैग्नेटिक। पारा मैग्नेटिक मतलब जिसमें एक या उससे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल मेटल आयन के पास, और डाया मैग्नेटिक मतलब जिसमें केवल और केवल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सेंट्रल मेटल आयन के पास। अब ये सारे पॉस्टुलेट्स के बाद हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एप्लीकेशन की ओर बढ़ेंगे कि आखिर यह कैसे किस प्रकार से शेप को एक्सप्लेन करता है। तो कुछ एग्जाम्पल से जो है इसको हम लोग समझेंगे। तो क्या वे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, चलो कंसिडर करते हैं इसको। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेकर के चले AgNH3, एप्लीकेशन हुआ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का।
तो इसका शेप बताया गया कब, जब इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ऑब्जर्व किया गया पहले, और मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा के अनुसार बताया गया कि यह जो है एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, इट इज ए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन। और यदि डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका मतलब कि कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। सेंट्रल मेटल आयन इसमें क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन होगा Ag प्लस, सिल्वर तो है ही, और प्लस यहाँ लिखे हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकाल करके, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद यहाँ चार्ज दोगे। अब सिल्वर का एटॉमिक नंबर 47 है, कन्फिग्रेशन की ओर बढ़ोगे तो क्रोमियम होगा 36, इसके बाद 4d10 और 5s1, लेकिन यहाँ तो सिल्वर नहीं है, सिल्वर पे एक प्लस चार्ज है, तो उस हिसाब से क्रिप्टन 4d10, 5s का इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, बचेगा 5s0। तो यह सिल्वर आयन का हुआ, फ्री है तब। अब इसी के लिए यदि हम लोग वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केवल लिखें, VSEC, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिल्वर आयन इन ग्राउंड स्टेट, तो वैलेंस सेल में केवल बचेगा 4d10, 5s, आगे 5p भी बच सकता है, ऐसा 4d10, 5 ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एक करके भरा जाएगा अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल, 5s का एक ऑर्बिटल खाली, 5p के 3 ऑर्बिटल्स खाली। तो यह जो है ग्राउंड स्टेट में है ना, यही कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे सिल्वर आयन का इस कॉम्प्लेक्स में, इन AgNH3 का होल टू प्लस, तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, डी का ऑर्बिटल का तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि अब पूरा भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, ऐसा हाँ 5s का एक खाली है, 5p का 3। क्या हम लोग फर्स्ट पॉस्टुलेट ही पढ़े थे VBT का, कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल आयन ऑर्बिटल खाली करेगा अपने कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर, यहाँ सिल्वर का कोऑर्डिनेशन नंबर है 2, तो इसको 2 खाली ऑर्बिटल चाहिए, वैलेंस सेल में चाहिए 2 ही, लेकिन हम लोग साफ साफ देख रहे हैं कि खाली तो 4 है, एस का 1 और पी का 3, तो कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब यही 4 में से 2 ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होंगे, ऑब्वियसली एक एस का होगा और एक पी का इन्वॉल्व होगा, और एक एस और एक पी इन्वॉल्व होगा, इसलिए हाइब्रिडेशन यहाँ से क्या हो जाना है, SP। और यही हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ जो लिगैंड है NH3, तो NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में है, यह लोन पेयर क्या करेगा, इस खाली ऑर्बिटल को डोनेट करेगा, ऐसा 2 क्रॉस का साइन दिखा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, वैसे ही एक और NH3 है तो ये भी ऐसा ही करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ऐसा देगा। अब इसी के अनुसार शेप बना दो, SP हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर शेप होगा, Ag पर प्लस है सेंट्रल मेटल आयन, इसके साथ 2 अमोनिया है NH3, एक इधर दिखा दो लीनियर शेप के लिए, याद रखेंगे कि NH3 में डोनर एटम नाइट्रोजन है तो बॉन्ड के सामने सामने नाइट्रोजन होना चाहिए, मतलब इस NH3 को आप ऐसे मत लिख देना, NH3 हाइड्रोजन को सामने नहीं रखोगे, गलत हो जाएगा ऐसा नहीं है, लेकिन तरीका सही नहीं है, NH3। ओवरऑल कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे यही एक प्लस आ जाएगा, शेप का नाम हो गया लीनियर, एंगल 180। अब यहाँ हम लोग साफ देख रहे हैं कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो सिल्वर आयन का कॉन्फ़िगरेशन है, सारे इलेक्ट्रॉन्स देख रहे हो पेयर्ड है, कहीं कोई अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए यह क्या है, डायमैग्नेटिक। लेकिन ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये तो थ्योरी के अनुसार हम लोग चलते हैं तब पता चलता है, लेकिन यह पहले ही पता कर लिया गया उस मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा के अनुसार, कि जब इस कंपाउंड के लिए कैलकुलेट किया गया मैग्नेटिक मोमेंट, तो वह मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा था 0। तो मैग्नेटिक मोमेंट का क्या फॉर्मूला बताए थे, √(n)(n+2)Bm, ये 0 तभी आएगा जब n 0 होगा, एंड व्हाट इज n, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो डायमैग्नेटिक होने का मतलब हुआ कि मैग्नेटिक मोमेंट 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0 मतलब कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो वही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कहीं नहीं बचा, समझ गए। तो इसी से रिलेटेड और भी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इसमें बताए गए हैं, उन सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर आप खुद से बनाने का प्रयास करोगे, एक का हम बता दिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 का एग्जांपल हो गया। अब हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 3 के लिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 में एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है HgI3 पे एक माइनस, इसके लिए भी जो मैग्नेटिक मोमेंट का डाटा है वह बतलाता है
कि यह भी एक डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स ही है, इट इज़ ए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। डायमैग्नेटिक की बात कर दी है, इसका मतलब यही है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, तो इट इज़ ए डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेंट्रल मेटल आयन की बात करें इसमें तो क्या होगा, Hg2+, दिस इज द सेंट्रल मेटल आयन। अब Hg का एटॉमिक नंबर तो है 80, कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो जेनोन से चलना होगा, 54 होता है, इसके बाद 4F14, 5D10, 6S2, 54 और 14 हो गया 68 और 10 78 और 2 80 के बराबर हो गया। लेकिन यहाँ तो Hg2+ है, तो 2+ है तो ये लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, तो बचेगा क्या, जेनॉन 4F14, 5D10, 6S0। लेकिन इतना बड़ा कॉन्फ़िगरेशन से मतलब नहीं है, हम लोग को वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मतलब है ना, Hg2+ का इन ग्राउंड स्टेट। तो वैलेंस सेल में चलेंगे तो केवल 5D10 होगा, 6S होगा, आगे 6P होगा। अब 5D के 5 ऑर्बिटल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, मतलब फुलफिल्ड होगा ऐसा, 6S का ऑर्बिटल खाली, 6P के 3 खाली। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखो जो मरकरी है, मतलब मर्क्यूरिक आयन सेंट्रल मेटल आयन है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, मतलब इसके पास 3 खाली ऑर्बिटल्स होने चाहिए। बिल्कुल है, 4 ऑर्बिटल्स है, तो यही 4 में से 3 इंटरमिक्स करेंगे, एक एस का और 2 पी का, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब यहीं पे जो है यह जो लिगैंड है आयोडाइड आयन, वही आयोडाइड आयन क्या करेगा, आयोडाइड में तो ऐसे 4 लोन पेयर है ना, तो यही एक लोन पेयर को जो है डोनेट करेगा खाली ऑर्बिटल में, तो ऐसे 3 हैं तो सारे आयोडाइड आयन यहाँ जा कर के जुड़ेंगे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। कैसे हुआ इस बात को हम लोग देख लिए, तो ये ग्राउंड स्टेट में था, इसी को इस कॉम्प्लेक्स में लेकर के चले तो ऐसा हम लोग दिखाए। सेप क्या हो जाएगा, ट्राइंगुलर प्लानर, Hg2+ इज द सेंट्रल मेटल आयन, एक I- को आप ऐसे दिखाओ, ट्राइंगुलर प्लानर शेप का दिखलाना है, एक इधर हो जाएगा और एक यहाँ हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर देखोगे तो 2+ और 3- है, तो ओवरऑल 1- बच जाएगा ना, ऐसा ट्राइंगुलर प्लानर, 120 डिग्री एंगल होगा, ट्राइंगुलर प्लानर ये वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। तो यह जो है शेप हो गया इस कॉम्प्लेक्स आयन का, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ट्राइंगुलर प्लानर शेप, और बड़ा ही कॉमन सा है। ऐसे ही और भी कई एग्जांपल्स हैं इस कैटेगरी में। अब इसमें से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन हमने देखा, sp2 देखा, हालांकि ये दोनों बहुत कॉमन नहीं है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए जो कॉमन हैं वे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो है हम लोग क्या देखे थे, 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन देखे थे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए 3 प्रकार का हाइब्रिडाइजेशन, एक sp3, फिर sd3, इवन 4 प्रकार का बोला जाए, एक देखे थे sp2d और एक देखे थे dsp2। हालांकि आप बहुत सारे बुक्स पढ़ोगे इंटरमीडिएट लेवल का या थोड़ा एडवांस भी, तो ई sd3 हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र कहीं नहीं करता है, मेनली sp3 होगा, dsp2। हालांकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यही दोनों को डील करता है, sp3 को और dsp2 को, ये दोनों जो हैं sd3 और sp2d ये तो एक्सेप्शनली दिए गए हैं कॉम्प्लेक्स के शेप को अच्छे से स्टडी करने के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ये दोनों हाइब्रिडाइजेशन का जिक्र उतना नहीं किया गया है, लेकिन कॉम्प्लेक्स का शेप को एक्सप्लेन करने के लिए बाकी के हाइब्रिडाइजेशन के जैसा ही दोनों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो बुक्स में आपको sp3 मिल जाएगा, dsp2 मिल जाएगा, sd3 बिल्कुल नहीं मिलेगा जो नॉर्मल प्लस टू के बुक्स हैं, और sp2d रेयरली एक्सेप्शनली जो है उसमें इन्वॉल्व किया गया है।
तो यही चारों हाइब्रिडाइजेशन को जो है डिटेल में हम लोग देखेंगे, डिटेल में समझेंगे एक एक करके, और सबका एग्जांपल्स को भी कंसीडर किया जाएगा, तब हम लोग अच्छे से समझ पाएंगे इन हाइब्रिडाइजेशन। तो ये क्या है, अब इसके लिए तो एग्जांपल्स देखना होगा, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंसीडर करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।